केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया है। इसी कड़ी में शनिवार को सहायक आयुक्त संकल्प गौतम ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ को किलांग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ लाहुल के 32 पंचायतों में जाएगी और हर दिन 2 पंचायत कवर करेगी। संकल्प गौतम ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में बताया जाएगा। इस यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कहा कि कई दूरदराज के इलाकों में लोगों को इन योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिलती है, लिहाजा इस रथ यात्रा के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बताया कि पहले दिन यह रथ दारचा और कोलंग पंचायत को कवर करेगी। पूर्वक पहले हमारा स्पीति में जितनी पंचायतें हैं वहाँ पर पहले चरण में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा वहाँ पर अभी भी चली हुई है। वहाँ पर अभी भी 30 तारीख तक इस यात्रा को आयोजित किया गया है और हर पंचायत में वहाँ पर घूम रही है। कल शाम को ही इस रथ का यहाँ पर आगमन हुआ है लाहौल घाटी में और आज हम इसका पूरा रूट चार्ट पूरा डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो आज की हमारी बेसिकली शेड्यूल है, अब यहाँ से हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस रथ को, और ये आज दारचा पंचायत और उसके बाद कोलोंग पंचायत, तो उन दो में जाके वहाँ पर अपना जितने भी लोग हैं वहाँ की पंचायत के उन सबको वहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है मोस्टली, और एक नोडल ऑफिसर हर पंचायत में बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने पंचायत सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई हुई है और इसमें जितनी भी हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स चलाई जा रही हैं लेकिन लोगों को अभी तक पूरा उनके बारे में पूरी जानकारी कहीं तक दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं होती है। तो इस रथ के माध्यम से एक यही इसका बेसिकली उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं उन सबको पता लगे कि उनके विकास के लिए उनके अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबकी कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो इस रथ के माध्यम से इसमें LED की भी एक लगाई गई है और अलग अलग इसमें होर्डिंग्स लगे हुए हैं और एक मैसेजिंग भी हो रही है, एक ऑडियो विजुअल क्लिप्स हैं, तो उसके द्वारा एक सब जनता को एक इसका मैसेज दिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पूरा इसका कितने दिन वो होगा वो हम आपको सब कुछ बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आज हम इसका पूरा डिसाइड कर रहे हैं कि किस किस पंचायत में ये जाएगी, क्या क्या इसका रूट रहने वाला है, और उसी हिसाब से लोगों को भी पहले मैसेज सूचना दी जा रही है। जैसे कल ही हमने शाम को वहाँ पर दारचा में और कोलोंग में बता दिया गया था कि इस रथ को आपको आज वहाँ पर पहुँचेगा और जो भी इसकी मैसेजिंग है वो दूर जितनी भी वहाँ की जनता है समस्त जनता तक ये पूरी मैसेजिंग पहुँचेगी। जी,